दोस्तों, आज शेखुपुरा में वो आई है जो एक 72 साल की बेटी है। आज शालकबीर ने शेखुपुरा पे वो आई है जो अपनी माँ को बिस्तर मरक पे छोड़ के इस काम के लिए आई थी। मैं बात अपने कायद जवेद लतीफ का बता दूं। मेरे कायद जवेद लतीफ ने जेल से निकाल भेजा है। मैं नवाज शरीफ के ब्याजने के एक इंच भी पीछे नहीं लगूंगा। जाके मुझे मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मियां जवेद लतीफ की तरफ से जो कोटदक्कन जेल में पाबंदे सलासल है, एक पैगाम देना चाहता हूँ जिन्होंने पैगाम दिया है कि शेखपुरा के नौजवान करे वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन। अब मैं कौम की बेटी, अब मैं कौम की बेटी, कौम का मुस्तकबिल आइंदा की वजीर आजम जनाब मरियम नवाज शरीफ है। Yeah!
आईन की बात की, जिसने आईन ने पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये जो गद्दार का लकब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये गद्दारी का लकब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लकब दिया गया है। और ये गद्दारी 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 खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हो ना, जिससे डर लगता है, हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लकब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लकब निकल आता है। तो शेखुपुरा वालों, आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ के शेर पाकिस्तान के बेटे और शेखुपुरा धरती के बेटे जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर, हक और सच की बात पर डटे रहकर, न सिर्फ नवाज शरीफ का और शेखुपुरा का बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। और शेखुपुरा के भाइयों बुजुर्गों, बात यह है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लकब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था, गद्दारी का लकब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था, गद्दारी का लकब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। और जो और जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको खबर हो कि 22 करोड़ अवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आईन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शेखुपुरा के गयूर अवाम को कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जो लोग पहले डर के चुप कर जाते थे, आज जावेद लतीफ की तरह जब आपको ये पता हो कि हक और सच कहने की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर भी अगर आप हक और सच का साथ दें, तो इससे बड़ी बहादुरी और कौम की सर्विस कोई नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात यह है, देखो शेखुपुरा के भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो कभी गद्दारी के
फतवे लोगों के गलों में लटकाया करते थे। अवाम ने जिन जिन को इतनी मेहनत करके इन्होंने गद्दार कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने उनको अपना हीरो बना लिया। कौन कहता था नवाज शरीफ गद्दार है, जानते हो ना? नवाज शरीफ के ऊपर कौन सा इल्जाम है जो उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर नहीं लगाया? लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, अल्लाह ताला का करना देखो कि वही नवाज शरीफ आज लंदन में बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने से अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के हक में फैसले आ रहे हैं। और आप देखो, जिसको आपने चोर कहा, जिसको आपने डाकू कहा, जिसको आपने गद्दार कहा, जिस पर आपने मजहब के फतवे लगाए, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा, और न सिर्फ वोट को इज्जत दी बल्कि रात रात भर जागकर वोट की हुर्मत पे पहरा दिया और अपनी छीनी हुई सीट इनसे वापस ली। शाबाश। जिनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगे थे, देखो आज अवाम का फैसला, अवाम का फैसला बता दो। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मेरा बड़ा दिल करता है कि ये नारे जो आप लगा रहे हैं ये टीवी के थ्रू 22 करोड़ अवाम सुने, ताकि उनको पता चले। देखो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जात पर और अपने खानदान पर, अपनी पार्टी पर कुर्बानियां झेल कर, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बेदार कर दिया है। शुक्रिया नवाज शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 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 न सिर्फ शेखुपुरा की आवाम को बल्कि 22 करोड़ आवाम को ये पता चल गया है कि उनका हक क्या है, आईन क्या है, कानून क्या है, और आईन और कानून के मानने वाले कौन है और उसके गद्दार कौन है। मैं बताऊं शेखुपुरा के भाइयों, जरा ध्यान से मेरी बात सुना। कौन आ रहे हैं?
अहमद फैज का वो शेर सुना है ना, चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, तो याद रखो शेखुपुरा के शेरों नवाज शरीफ ने अपनी कौम को सर उठा के चलना सिखा दिया। और मैं बताऊं गद्दार कौन है, मैं बताऊं गद्दार कौन है, आवाम जानती है कि गद्दार कौन है। एक जमाना था जब गद्दार जब कुर्सियों पर बैठे होते थे तो लोग उनकी कुर्सियां छोड़ने का, इक्तदार से हटने का इंतजार कहते करते थे ताकि उनको गद्दार कह दिया जाए। लेकिन आज वो वक्त बदल गया है, आज लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं लेकिन आवाम ये बोलने से घबराने लगे कि गद्दार कौन है। और मैं बताऊं गद्दार कौन है, गद्दार उसको कहते हैं शेखुपुरा वालों, जरा ध्यान से मेरी बात सुना, गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को भारत की झोली में भेजकर कश्मीर को भारत की झोली में भेज, बेटा इसको मना करें प्लीज, क्या मना कर रहे हैं आपको। गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक्वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं वो सही काम नहीं कर रहे, इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप छुप कर कश्मीर को बेचने का, उसको सौदा करने का प्लान बना रहा हो। गद्दार उसको कहते हैं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, याद है ना, हर रोज जत्थे लेकर एक मुंतखब वजीर आजम को के घर पर चढ़ाई करते थे, याद है ना। गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेले, उनको ऑफिशियली भिखारी बना दे और इमदाद लेने के काबिल बना दे, और जब रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर एक एक किलो चीनी के लिए लाइनों में आवाम को लगना पड़ रहा और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए कि एक किलो चीनी लेके अब दूसरी किलो लेके वापस ना आना, गद्दारी इसको कहते हैं। नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था, अवाम के वोटों से आया था, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, सिलेक्ट होकर नहीं आया था, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया था। जब ऐसे वजीर आजम को इक्तदार से बाहर निकालने के लिए आप इदारों का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप बुग़्ज़े नवाज शरीफ
और बुग़्ज़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब आप पाकिस्तान के कौमी इदारों पर उंगलियां उठवाते हैं, उनको दागदार कहते हैं, दागदार करते हैं, अवाम की नजर में कौमी इदारों को मुजरिम ठहराते हैं, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली की वजह से आप कौमी इदारों को तंकीद की आग में झोंकते हैं, अवाम के बिल मुकाबिल लाकर खड़ा करते हैं, तो इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी। इमरान खान जब भारत की सरजमीन पर बैठकर अपनी फौज और आईएसआई के खिलाफ दुश्मन मुल्क में जाकर बात करता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाकर अवाम के वोट पर डाका डालकर एक सिलेक्टेड को 22 करोड़ के सरों पर मुसल्लत करते हैं, उसको कहते हैं गद्दारी। आप जानते हो गद्दारी क्या होती है? जब आप जबरदस्ती घोंस और धांधली के साथ डरा धमका कर मीडिया को खामोशी की जंजीरों में कैद करने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं गद्दारी। जब आप काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे बेदाग जजों को मुतनाजा बनाने की कोशिश करते हो सिर्फ इसलिए कि आप सच बोलने वाले जजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब जजेस सच बोलेंगे, जब जजेस आईन और कानून के साथ खड़े होंगे, तो इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे नामों को दागदार कर कहते हो और अदलिया को मुतनाजा बनाते हो, इसको कहते हैं गद्दारी। जब तुम मजहबी जमातों को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, जब तुम फैजाबाद में धरने चलाते हो, शेखुपुरा के आवाम से पूछना चाहती हूँ, याद है वो दिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद में धरने हुए थे? याद है ना वो दिन? तब तो तुमने उनको नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे। तुमने तो मजहब भी किसी को नहीं बख्शा। नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले, याद है वो दिन जब नवाज शरीफ पर जूता फिकवाया था? याद है ना वो दिन? याद है वो दिन? याद है वो दिन जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी? याद है ना वो दिन? याद है वो दिन जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मुंह पे काली स्याही फेंकी गई थी? याद है ना वो दिन? और याद है वो दिन? और जब तुम्हारी अपनी हुकूमत आई, तो तुमने उनको मस्जिदों में घुस कर शहीद किया, तुमने उनके ऊपर बैन लगाया, तुमने निहत्ते लोगों को मस्जिदों में, मैंने देखा जब हमारे पाकिस्तानी भाइयों की लाशें और जख्मियों को मस्जिदों में इकट्ठा किया गया, मैंने देखा जब लिबास हमारे जो पुलिस वाले थे जिस तरह उनको शहीद होने के लिए तुमने सड़कों पे छोड़ दिया,
इसको कहते हैं गद्दारी। मैं मुझे खुशी है मेरे भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बयानिया दिया था ना, जिन हकायक को नवाज शरीफ ने बयान किया था, नवाज शरीफ के मुखालिफीन ने और दुश्मनों ने बिल्कुल वही बातें करके नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। और आज जब इनकी हकूमत की तशदीद डावाडोल है उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है, और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के सबके हक में कैंपेन किसने चलाई थी। और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक में समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौन को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। फलस्तीनियों के हक में बात करोगे, आवाज को भी वो मंजर भूला नहीं है। और आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ शेख उकरा के शेरों, इस बात का यकीन रखना, मैं जानती हूँ कि इस नालायक और नाअहल की वजह से अवाम पर आज महंगाई का, लाकानूनियत का, नाअहली का, नालायकी की क्यामत टूट पड़ी है, मैं जानती हूँ। लेकिन इस बात की तसल्ली रखो कि इस रात की सुबह इंशाअल्लाह ताला तलू होने को है, नवाज शरीफ का सूरज इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर तलू होने का है। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज एक बार फिर तलू होने को है इंशाअल्लाह ताला। और कौम ये जान गई है, कौम ये पहचान गई है कि अगर इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है अल्लाह ताला के फजल से, कोई इस मुल्क को मुश्किलात के भवन में से निकाल सकता है तो उसका क्या नाम है, एक दफा फिर उसका क्या नाम है। और मैं आज शेखुपुरा की धरती पर खड़े होकर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ गद्दारी के फतवे बांटने वालों को कि तुम्हारे गद्दारी के फतवों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर तुमने जावेद लतीफ जैसे मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले को अगर तुमने गद्दार कहा तो याद रखना कि तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। आवाम के फैसले आवाम पर छोड़ दो, आवाम के फैसलों को आवाम पर छोड़ दो और आवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की आवाम जाने। और ये भी मैं बता दूं कि मैं ना सिर्फ जावेद लतीफ जैसे शेर के साथ खड़ी हूँ, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हूँ, बल्कि मैं आज हर उस शख्स के साथ खड़ी हूँ जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा। और अगर
साथ खड़ी हूँ और शेखुपुरा के आवाम जरा मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो कि अगर तुमने शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ को गद्दार कहा तो याद रखो कि ना सिर्फ शेखुपुरा का हर इंसान, शेखुपुरा का हर बसने वाला गद्दार है, बल्कि हम सब गद्दार हैं। साकम नज़ार, साकम नज़ार, काम का सरकार।